उधर गाजियाबाद में पुलिस और प्रशासन के बीच मुठभेड़ का सिलसिला बरकरार है। थाना विजयनगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि ब्रेजा कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें से दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वहीं एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार दोनों बदमाशों की तलाश जारी है। बदमाशों के कब्जे से एक चोरी की ब्रेजा गाड़ी, एक कैमरा और चोरी का सामान बरामद किया गया है। रुकने के स्थान पर इसमें सवार लोगों द्वारा इस गाड़ी को डीपीएस चौराहे से जो संतोष मेडिकल की तरफ सर्विस लेन जा रही है उस पर भगा दिया गया और इसी दौरान इस गाड़ी से एक फायरिंग भी की गई। इस पर तत्काल ही जो पुलिस की टीम थी उसने रिएक्ट किया और इस गाड़ी को पीछा किया और सर्विस लेन में दूसरी तरफ से भी इस गाड़ी को घेरने के लिए एक पुलिस पार्टी से कांटेक्ट किया गया। जब ये ब्रेजा गाड़ी दोनों तरफ पुलिस से टीम से घिर गई तो इसमें जो सवार लोग थे उन्होंने इस गाड़ी को बैक करने का प्रयास किया है और इस बैक करने के प्रयास में ये गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। उसके पश्चात जो इसमें लोग सवार थे वो उतर कर भागने लगे और जब पुलिस द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस के दल पर फायरिंग कर दी गई। इसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई जिसमें कि एक व्यक्ति जावेद के पैर में गोली लगी है और एक अन्य व्यक्ति सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है।